लेकर एक बड़ी खबर आ रही है, नए सब वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग में 4 मरीज मिले हैं। झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर और दौसा में 1-1 मरीज मिले हैं। SMS मेडिकल कॉलेज की माइक्रोबायोलॉजी लैब में JN.1 सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 4 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग में JN.1 सब वेरिएंट की पुष्टि। नए 4 कोरोना मरीज मिले हैं, जिनमें 1 मरीज की मौत हो गई है। दौसा में मिले कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या अब 28 पहुंच चुकी है। तो कोरोना से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग में JN.1 सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। नए मिले 4 कोरोना मरीजों में 1 मरीज की मौत हो गई है। दौसा में मिले कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28 पहुंच गई है। तो झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर और दौसा में 1-1 मरीज मिले हैं। फिलहाल आपको बता दें, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या राजस्थान में 28 हो चुकी है। 4 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। नए मिले 4 कोरोना मरीजों में 1 मरीज की मौत हो गई है। दरअसल दौसा में जो कोरोना मरीज संक्रमित था नए वेरिएंट से, उसकी मौत हो गई है। SMS मेडिकल कॉलेज के लैब में JN.1 की पुष्टि हुई है। 4 नए मरीजों में कोरोना सब वेरिएंट की पुष्टि, जिसके बाद से स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। तो राजस्थान में कोरोना को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर है, नए सब वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई है। जीनोम सीक्वेंसिंग में 4 मरीज मिले हैं। झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर और दौसा में 1-1 मरीज, जिनमें JN.1 की पुष्टि हुई है। SMS मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी लैब में JN.1 सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 4 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग में JN.1 सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। और नए मिले 4 कोरोना मरीजों में 1 मरीज की मौत हो गई है। दरअसल दौसा में जो कोरोना संक्रमित मरीज था, उसकी मौत हो गई है। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 28 हो गई है, यानी कि लगातार अब कोरोना के मामले राजस्थान में बढ़ रहे हैं। फिलहाल कुल मिलाकर 28 कोविड पॉजिटिव मरीज राजस्थान में है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है, अस्पतालों में सभी व्यवस्थाएं की जा रही है कोरोना मरीजों के लिए, लेकिन जिस तरीके से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड की सुविधा है। इसके अलावा आपको बता दें कि लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है, जिस तरीके से मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, ऐसे में सतर्क रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो फिलहाल दौसा में जो कोविड पॉजिटिव मरीज था, उसकी मौत हो गई है। और राजस्थान में कुल मिलाकर इस वक्त 28 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं, जिसको लेकर लोगों से अब सतर्क और सावधान रहने की अपील की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है, ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी कोविड पेशेंट्स को ना हो पाए, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है अस्पतालों में। और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर अस्पतालों में वो सभी सुविधाएं मरीजों को दी जा रही है। लोगों से सावधान और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की भी अपील की जा रही है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है, जिससे लोग सावधान और सतर्क रहें। तो झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर और दौसा में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है मरीजों में। कोरोना को लेकर यह बड़ी खबर, 4 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग में JN.1 सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 4 नए कोरोना मरीज मिले, जिनमें 1 मरीज की मौत हो गई है। तो SMS मेडिकल कॉलेज के लैब में JN.1 की पुष्टि हुई है। 4 नए मरीजों में कोरोना सब वेरिएंट JN.1 की पुष्टि हुई है, जिसके बाद से ही स्वास्थ्य महकमा अब अलर्ट मोड पर है।
तो अस्पताल की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देखिए किस तरीके से लोगों को यहां पर सावधान और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस वक्त 28 कोरोना मरीज है राजस्थान में और दौसा में एक मरीज की मौत हो गई है। तो 4 नए मरीजों में कोरोना सब वेरियंट JN.1 की पुष्टि हुई है और ये आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। झुंझुनू, अजमेर, भरतपुर और दौसा में एक एक मरीज मिले हैं कोरोना को लेकर। ये बड़ी खबर राजस्थान से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 4 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग में JN.1 सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। नए मिले 4 कोरोना मरीजों में एक मरीज की मौत हो गई है और जिसके बाद से ही स्वास्थ्य विभाग अब काफी अलर्ट मोड पर है। सभी व्यवस्थाओं को, सभी तैयारियों को मुकम्मल किया जा रहा है। खबर 4 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग में JN.1 सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। नए मिले 4 कोरोना मरीजों में एक मरीज की मौत हो गई है। दौसा में मिले कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हुई है। आपको बता दें एसएमएस मेडिकल कॉलेज के लैब में JN.1 की पुष्टि हुई है। 4 मरीजों में कोरोना के नए सब वेरिएंट की पुष्टि हुई है। तो अजमेर में 55 साल की एक महिला कोविड पॉजिटिव पाई गई है। एसएमएस अस्पताल में जांच हुआ था और जांच रिपोर्ट में महिला का ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता बाल वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाल वीरेंद्र, जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, इस वक्त ताजा आंकड़े क्या है राजस्थान में और साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ तैयारियां? देखिए शिवानी, अगर राजस्थान की बात की जाए तो अब कोविड है वो धीरे धीरे अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। मैं इस वक्त स्वास्थ्य भवन के बाहर खड़ा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीछे तस्वीरों के अंदर ये स्वास्थ्य भवन की बिल्डिंग है और इसको लेके जिस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग की जो लगातार कोविड को ध्यान में रखते हुए जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, तमाम अधिकारियों की मीटिंग भी जारी है और किस तरीके से कोविड को लेके जो कह सकते हैं कि जो पूरी टीम है राजस्थान की वो काफ़ी अलर्ट मोड पे दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए जो 4 पेशेंट हैं, जो मरीज हैं, वो कोविड का जो नया वेरियंट आया है उसके होने की पुष्टि की है और साथ में आपने देखा होगा कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर अभी कुल मिलाकर 28 जो मामले हैं वो कोविड के पाए गए हैं और अब धीरे धीरे जो कह सकते हैं कि जो इनकी जो पूरे मामले धीरे धीरे जो सामने आ रहे हैं, इसको लेकर राजस्थान की जो वो 3 संभागों के अंदर, जयपुर संभाग हो गया, जोधपुर संभाग हो गया, इसके अलावा उदयपुर संभाग, इन 3 संभागों के अंदर जो कोविड संबंधी जाँचें होती है उसके लिए एक लेबोरेटरी भी तैयार की गई है और वहाँ पर इनका जो कह सकते हैं कि जो जांच होती है, जो इनके सैंपल लिए जाते हैं, उन सैंपलों को इन लेबोरेटरियों में भेजा जाता है। उसके बाद 1 या 2 दिन के बाद जब ये रिपोर्ट आती है तो उसके बाद ये पुष्टि की जाती है। तो अभी 28 में से जो कह सकते हैं कि जो 4 ऐसे मरीज हैं जिनके अंदर कोविड का जो नया वेरियंट है वो राजस्थान के अंदर मिला है। जी बिल्कुल बाल वीरेंद्र, देखिए कोरोना मरीजों की संख्या राजस्थान में बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के सामने एक बड़ा चैलेंज है अस्पतालों में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना। चूंकि पिछले बार की अगर बात की जाए, कोविड जिस तरीके से हमने पहले की जो तस्वीरें देखी हैं वो काफ़ी भयावह थी। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी होती थी, बेड्स कम पड़ जाते थे अस्पताल में। तो इसको लेकर ये सारी तस्वीरें दोबारा ना देखनी पड़ी, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम किया गया है मरीजों के लिए?
देखिए शिवानी, आपको बता दें कि जिस तरीके से राजस्थान का जो स्वास्थ्य विभाग है वो अलर्ट मोड पे, वहीं आप देखेंगे कि तमाम जो जिला स्तर के अस्पताल हो या फिर तहसील स्तर के जो कह सकते हैं कि जो अस्पताल होते हैं छोटे अस्पताल, वहाँ पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर हो या फिर कोविड के दरमियान जो ज़रूरी दवाइयाँ होती है या फिर कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन के जो प्लांट बंद पड़े हैं उनको तुरंत प्रभाव से सुचारू व्यवस्था करने की जो जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग ने तमाम जो कह सकते हैं कि जिला स्तर के जो स्वास्थ्य विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको निर्देश दिए हैं और लगातार आम जनता को जागरूक करने के लिए कोविड के जो दिशा निर्देश जो सरकार ने जारी किए हैं उनको पालन करने के लिए लगातार जागरूकता का जो अभियान है वो लगाए जा रहे हैं जगह जगह पे, और साथ ही कोविड को लेके देखा जा रहा है कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके होते हैं वहाँ पे जनता से बार बार अपील की जा रही है कि कोविड के अंदर आप अपने जो कह सकते हैं कि साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें और अपने मुँह को मास्क लगा कर रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बच के रहें। जी आप बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लोगों से अपील की जा रही है, चूंकि सबसे जरूरी इस वक्त है सावधान रहना और सतर्क रहना, चूंकि अब लोगों को समझ में आ चुका है कि ये वायरस जिस तरीके से तेजी के साथ फैल रहा है, ऐसे में बचाव ही सबसे जरूरी उपाय है इस वक्त। ऐसे में अगर समझने की कोशिश की जाए तो लोग कितने जागरूक नजर आ रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का कितना पालन किया जा रहा है, चूंकि राज्य सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है, लगातार लोगों से अपील की जा रही है। जी जाहिर सी बात है कि जो जिस तरीके से राजस्थान में जो नई सरकार बनी है भजनलाल सरकार, वो लगातार कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी हों या फिर मुख्य सचिव हों इन तमाम लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर पे ये निर्देश दिए मुख्यमंत्री ने कि राज्य के जो जनता है उसको दवाइयाँ हों या फिर बेड हो या फिर ऑक्सीजन की जो किल्लत देखी जा गई थी कोविड की जो दो वेव्स आई थी उस दरमियान, उस चीज़ की कोई भी ऐसी समस्या ना आए जिससे क्या है कि आम लोग परेशान हो। वहीं आप देखेंगे कि जो राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल है वहां पे भी ऑक्सीजन के प्लांट लगाए गए हैं और जो बंद पड़े प्लांट है उन्हें तुरंत प्रभाव से कह सकते हैं कि उन्हें फिर से एक्टिव करने के लिए कहा गया है, और कहीं ना कहीं राजस्थान की जो कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है उन्होंने एक कोविड की जो फर्स्ट और सेकेंड वेव के अंदर एक मैसेज देने की पूरे देश को कोशिश की थी कि आप प्रॉपर तरीके से कोविड से बच सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको साफ सफाई का और हर कह सकते हैं कि अपने जो हाथ है उनको अच्छी तरीके से धोइए। इसके अलावा आपको बताएं कि जिस तरीके से भीलवाड़ा मॉडल है वो पूरे प्रदेश ही नहीं अभी तो पूरे देश के लिए एक कह सकते हैं कि काफ़ी फेमस भी हुआ था, और उसको लेके जिस तरीके से लगातार चर्चाएँ भी हो रही थी भीलवाड़ा मॉडल की, तो उसी की तर्ज पर अब राजस्थान की जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है लगातार आम जनता से अपील भी कर रही है कि कोविड से डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने जो कह सकते हैं कि आसपास सफाई रखिए और अपने हाथों को बारी बारी धोते रहें, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों के अंदर अगर किसी को भी अगर कोविड के सिम्टम्स मिलते हैं तो आप तुरंत अपने नजदीकी चिकित्सालय में जाइए और वहां पर उचित व्यवस्था की गई है कोविड के पेशेंट्स के लिए, और जो दवाइयां हैं वो दवाइयां आप लीजिए, इससे डरने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है अब एक्टिव हो चुकी है, और अब एक कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर जिस तरीके से अब मामले धीरे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर ये मामले किस वजह से बढ़ रहे हैं। आप अगर देखेंगे कई ऐसे मामले कि जिनकी अगर जो ट्रेवल हिस्ट्री होती है उसको जांचा जाता है कि वो कहाँ कहाँ गए हैं, किन लोगों से मिले हैं, तो उसको ट्रैक करके जो स्वास्थ्य विभाग है उसको पूरा ट्रैक कर रहा है, और जो कह सकते हैं कि कोविड के जिनमें थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं उनको क्वारंटाइन करके और प्रॉपर जो ट्रीटमेंट होता है वो दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से सुब्रा सिंह ने भी एक मैसेज देने की कोशिश की है राजस्थान की जनता को, जो कि उनका साफ तौर पे कहना है कि कोविड से आप डरिए नहीं, क्योंकि कोविड के अंदर जिस तरीके से आपने देखा होगा फर्स्ट और सेकेंड वेव के अंदर जो राजस्थान की जनता है वो आपने जो ऑक्सीजन को लेके कह सकते हैं कि राजस्थान के अंदर कोई भी ऐसी परेशानी नहीं हुई थी, लेकिन अब जिस तरीके से नई नई चिकित्सा के अंदर नवाचार देखा गया है, मॉक ड्रिल की जा रही है कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है सेम वैसी दुविधा आती है तो किस तरीके से हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है, जो हमारे जिला स्तर के अस्पताल हो या फिर तहसील स्तर के जो अस्पताल हो वहाँ पे किस तरीके से हम इन समस्याओं से निपटेंगे, तो ये पूरी तैयारी की जा रही है। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाल वीरेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए।